तुम दस के नहाए ले। भैया ये मेरी पहली गलती है, मुझे माफ करो, आगे चल के आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। और लीला बगैर आपकी इजाजत है मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। घोड़ा सोचने लगा कि मेरा मालिक अपनी गलती महसूस कर रहा है, और मैं मां को वचन देकर के आऊं कि मां तेरे लाल को मैं परदेशों के अंदर कहीं धोखा नहीं दूंगा। चलो भैया, जब सोची जवई से महाराज लीला घोड़ा को मना करके सीरियल के ताल कटोरा पिलाए, सारा सिंगार उतार करके रख दिया पट्टियों पे, और घोड़े को इजाजत दे दी। कह लगे भैया नहा लो तुम्हारी इच्छा वजह से। घोड़ा सोचने लगा कि मेरा मालिक अपने सपन को सच्चा करने के लिए आया है, तो सपना तो मैंने भी देखा था। सपने के अंदर मैंने सरवर ताल का उजार किया है, तो क्यों नहीं मैं भी अपने सपन को सच्चा करूं। तो लीला घोड़ा बलक ताजी और चारों सुम्मो बजाए वो ताजी, और जाने ताल कटोरा में छागल बाली। घोड़ा इधर उधर घूमने लगा, तैरने लगा, देखने लगा कहां कितना पानी है। जब घोड़ा स्नान किया तो घोड़े को गुस्सा आई, कच्ची पक्की पट्टियां भूरी साबित सड़ी एक ना छोड़ी। घोड़ा ने फूर फुआरो पानी पियो, पानी मार गादरो कियो, भरी जवानी के जोर में जा नाच रो है लीला, और पट्टियां डाली सब भूर के बाद पानी करो गदीला। महाराज सोचने लगे हमारा घोड़ा काफी समय हो गया अभी नहाकर के नहीं निकला, चलो देखते। जब गोगा जी महाराज सरवर ताल पे आए तो देखा छतरियों के डंडे टूटे पड़े, फुहारे फुलवा दी, सोने किसी घोड़ा ने टूट तोड़ करके मिट्टी मिला दी। महाराज कह लगे घोड़े ये तुमने भैया क्या किया। घोड़ा कह लगा हमने क्या किया, हम तो नहा रहे हैं। नहा रहे हो लेकिन तुमको ये नहीं पता है किसके सरवर ताल में नहा रहे हो और किसके सरवर ताल का उजार कर रही हो। घोड़ा कह लगा भैया तुम नहाए जब काऊ ने नदिया दी। अरे आप नहाए तो हमने कुछ किया कहा आपसे। घोड़े आपने उजार कर दिया काफी सरवर ताल का, अगर राजा सज्जे की बेटी आ गई तो हम तुमको देखती देखती मरवा देंगे। भैया डर तो डर ही है, राजा की बेटी है। बोलिए सच्चे दरबार की।